उसको करूंगा कि एक अच्छा यूनानी कंसल्टेशन के लिए आप ऑनलाइन कहीं भी, आपके बारे में, आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी पूछना है, कोई सवाल है, कंसल्टेशन है, फिर आप कास्ट उनको आप ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोन, व्हाट्सएप, ईमेल, सबके जरिए से। जी या डॉक्टर अफरोज आप कुछ पूछेंगे? हाँ, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि वसीम भाई, ये लास्ट सवाल होगा मेरे तरफ से, या ये कोशिश पूछिए, सवाल अच्छा है मुझे तो। जी नहीं, ये इसमें वसीम भाई, नॉर्मली हम देखते हैं एलोपैथ में कि एक अलग अलग सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज होते हैं। और हम जब यूनानी की तरफ देखते हैं तो हमें, जहां तक मेरा परसेप्शन है, कि ये होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम को देखता है, होलिस्टिक नॉलेज। तो अगर एक यूनानी का डॉक्टर है तो वो सारी चीजों का उसके पास ये वर्क हो, या उसमें भी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं क्या आयुर्वेद में या यूनानी में, जिसमें स्पेसिफिक डॉक्टर्स हो, जैसे सर्जन है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का हो, चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे वो अलग अलग हैं, तो यूनानी में क्या सिस्टम है, क्या इसमें भी सुपर स्पेशलिटी है? होने लगा है अभी। क्या हुआ, जैसे कि हैदराबाद में जो सेंटर हुआ वो स्किन के लिए है, और एमडी भी अभी स्किन में, डर्मेटोलॉजी में एमडी शुरू हो गया है। अलीगढ़ में भी होता है, बेंगलोर में भी होता है, बेंगलोर को मुझे याद नहीं, लेकिन अलीगढ़ में होता है। तो स्किन डिजीजेस के लिए पीजी शुरू हो गया है, इसी तरीके से गायनेकोलॉजी के लिए भी पीजी पहले से मौजूद है। तो ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सिस्टम, वैसे वैसे स्पेशल एरिया के लिए स्पेशल लोग तैयार हो रहे हैं, एमडी कर रहे हैं उसमें। लेकिन जो हम, आपने होलिस्टिक अप्रोच की बात कही है, उसका ये मीनिंग नहीं है कि डॉक्टर होलिस्टिक हो। उसका होलिस्टिक का मतलब ये है कि यूनानी और आयुर्वेद जब किसी मरीज का इलाज करता है, उसके घुटने में दर्द है और वो घुटने की दर्द की दवा देता है, तो साथ ही साथ वो ऐसी दवाएं भी देता है कि उसका लीवर फंक्शन भी ठीक हो जाए, उसके उसका हार्ट सिस्टम भी ठीक रहे, उसको डाइजेशन भी ठीक रहे। तो वो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि वो पूरे सर से पैर को एक यूनिट मान करके इलाज करता है। और इसीलिए कई मरतबा ऐसा होता है कि सर दर्द का इलाज करता है हकीम और उसके घुटने का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, या घुटने का इलाज करता है, सर का इलाज ठीक हो जाता है। मान लीजिए वो दवा से सर का इलाज भी ठीक होता है, लेकिन टाइम, या किसी को घुटने के दर्द के लिए दवा दी जा रही है और उसकी नींद चली गई थी, वो नींद वापस आ जाती है। क्यों? ऐसा नहीं है कि बगैर दवा के वो वापस आए। बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच का ये मतलब होता है कि यूनानी और आयुर्वेद के सामने एक पूरी एक यूनिट होती है, बॉडी होती है, और साथ ही साथ उसको धूप से, हवा से, डाइट से भी पूरा सपोर्ट, चौतरफा हमला जिसको कहते हैं, उस बीमारी के खिलाफ रहता। ये अप्रोच है जो हमारे एलोपैथिक में शायद इस तरीके का अप्रोच नहीं है। तो होलिस्टिक का ये मतलब है, बहुत अहम कंसेप्ट है यूनानी और आयुर्वेद के लिए। इसी में बल्कि बहुत सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। जब कोई ये पूछता है कि इस बीमारी की दवा यूनानी में है कि नहीं, इस बीमारी की दवा यूनानी में है कि इस बीमारी की दवा है यूनानी में कि नहीं है, तो हकीकत यह है कि यूनानी आयुर्वेद में तमाम बीमारियों की दवा है, क्योंकि डॉक्टर होलिस्टिक अप्रोच से इलाज करता है। वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि हॉलिस्टिक यानी कि आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पे ना जाए, टोटल हेल्थ जो है एक दूसरे से रिलेटेड हेल्थ जो है, ऐसा नहीं है कि पैर की दर्द जो है एकदम असल आइसोलेटेड है बॉडी से, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किसी और चीज से, ऑर्गन से जरूर है। अल्टीमेटली तो ब्रेन से सब चीज का फंक्शन है ही जुड़ा हुआ। तो आयुर्वेदिक या इंडियन सिस्टम मेडिसिन यूनानी जो है ये हॉलिस्टिक तरीके से किसी मर्ज को देखता, ना कि आइसोलेटेड तरीके से बस उसको ठीक कर दिया जाए, बाकी उससे जो रिलेटेड बाकी चीज जो रिलेटेड है उसको नहीं देखते हैं। कुछ दिनों तक वो ठीक रहेगा, फिर अपने आप फिर खराब हो जाएगी। तो एक तरह से आपका कहना भी ठीक है कि हर चीज हॉलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि आप उसके जड़ तक भी जाए। तो लास्ट क्वेश्चन वसीम भाई मेरा ये रहेगा आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एज यूनानी डॉक्टर, और ऐसे मतलब कि एक पढ़े लिखे इंसान जो इसमें काफी 6-8 महीने से आपने काफी काम किया है पैंडेमिक पे, और काफी नॉलेज भी आपको हो गया है लोगों को हेल्प करने में, क्या आप मशवरा देंगे कि इंसान को अच्छा हेल्दी रहने के लिए सिंपल पॉइंट पर 4-5 पॉइंट्स, जिससे उसका नफसियाती बिगाड़ भी ना हो, जिस्मानी तौर से भी वो सही रहे, एक हेल्दी रहे मतलब कि, और जो एक्टिव रहे और पैंडेमिक से भी बच जाए, मिला जुला कि ये कहे तो भाई लॉन्जिविटी बनी रहे।
आप क्या मतलब मशवरा देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के, लास्ट क्वेश्चन है जिसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। जी, यूनानी थ्योरी के मुताबिक, यूनानी नजरिए के मुताबिक जो नॉर्मल जिंदगी है वो 120 साल है। 120 साल की जिंदगी है, और हकीमों ने ये कहा है कि अगर उसूलों के साथ कहना, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि चूंकि 120 साल जब पैदा होता है बच्चा तो उसकी असली जिंदगी जो होती है 120 साल होती है, लेकिन और जो डिसिप्लिन है, जो रूल रेगुलेशन है हेल्थ को बचाने के लिए, जैसे कि अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा इमोशंस, टेंशन, बहुत सारी चीजें, वो चूंकि उसको कंप्लीट करना मुश्किल काम होता है, इसलिए जो जो चीजें निगेटिव बदन पे आती रहती हैं उसके इफेक्ट से वो एज कम होती चली जाती है। यानी अगर आदमी सो नहीं रहा है पूरा तो कुछ पोर्शन को वो कम कर देगा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो कुछ पोर्शन को वो कम कर देगा, टेंशन में बहुत रहता है तो कुछ जिंदगी के पोर्शन को वो कम कर देगा, बहुत गमगीन रहता है। इस तरीके से कहा है कि जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है वो चूंकि मुकम्मल तौर पे मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल लाइफ कम होती जाती है। अगर उसको बढ़ाना है तो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और आपकी जिंदगी लंबी होगी। बल्कि एक तो पूरी किताब यूनानी पर लिखी गई, आज के 700-800 ईयर ओल्ड बुक है, जो सिर्फ यही सब्जेक्ट है कि लंबी जिंदगी कैसे जिया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आइनुल हयात उसका नाम है, इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी हो रहा है कि लंबी जिंदगी कैसे जिया जाए। लंबी जिंदगी जीने के लिए आपको हर दिन हर मोमेंट का अपने अपने हेल्थ से हिसाब लेना, जैसे कि सोने का टाइम आप सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको किसी बीमारी का, ज्यादा दिनों तक ऐसा किया तो कोई ना कोई बीमारी लग रही। आप टेंशन में है तो आप ये मान लीजिए कि ये टेंशन जो हमें है हमारी सेहत को खा रहा है। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज ना करने से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ जो भी है, खाना, सोना, पीना, अच्छी डाइट, अच्छी हवा, सिर्फ खराब हवा में अगर आप रहे तो आप मान के चलिए कि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बीमार। तो मैसेज ये है कि जितना ही ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो अपनी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ को मान के चलिए, सेहत के जो उसूल हैं तकरीबन सभी लोगों को मालूम होता है उसको करें। दूसरी एक चीज ये है कि अगर किसी को भी बीमारी हो, दूसरा एक मैसेज, सीरियस मैसेज है इस बीच में कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो एलोपैथिक के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को जरूर अपनाएं, ट्रेडिशनल मेडिसिन को जरूर साथ ही साथ में अपनाएं, उससे उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमारा एक सीरियस मशवरा। डॉक्टर वसीम साहब, मुझे एक शेर याद आता है, काफी मशहूर है, सभी जानते होंगे, तंग दस्ती घर न हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो रही बात कि अपने आप में तंदुरुस्ती बहुत नेमत है, बशर्ते को बहुत सारी चीजें ना हो। बहुत ही अच्छा रहा डॉक्टर वसीम साहब, इनफैक्ट मैं तो शुक्रिया करना चाहता था फेस टू फेस डॉक्टर की उसामा साहब का भी। इसके बाद आप खैरियत ले लीजिएगा उनका, मेरा ये गुजारिश है आपसे कि फोन करके खैरियत लीजिए, उन्होंने काफी मतलब कि कंट्रीब्यूट किया इस डिस्कशंस में, और मैं माइंड स्पार्कल सीरीज की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने बेशकीमती वक्त निकाल के पूरे हिस्ट्री से लेके जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनफैक्ट हम तो ये कहना चाहेंगे कि देसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है काफी अच्छा मतलब के लफ्ज रहेगा, ये देसी इलाज है तो ये ज्यादा मतलब कि एक्सेप्टेबल फॉर्म रहेगा, कि हर कोई चाहता है कि भाई जो अभी लोकल फॉर वोकल भी है, वोकल फॉर लोकल भी है, तो ये देसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है काफी हम इसको पब्लिसाइज कर सकते हैं। और आपका ये मैसेज बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप जो भी कर रहे हैं एलोपैथिक कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, बट बाकी नजरियात को भी टोटल बंद मत कर दीजिए, वो भी कीजिए ये भी कीजिए, कहां से फायदा हो, कहां से किस तरफ से हो, किसी को नहीं मालूमात हासिल है, बट ये भी हम नहीं कहेंगे कि आप इस फील्ड को टोटल बंद कर दीजिए, इस फील्ड में ही आ जाइए। कहने का मतलब है टोटल होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू रखिए। इनफैक्ट इलाज तो एलोपैथिक भी करता है, यूनानी भी करता है, आयुर्वेदी भी करता है, सिद्ध इलाज इलाज है, जहां से मगफिरत हासिल हो जाए, जहां से मतलब कि फायदा हासिल हो जाए, फैजयाबी हासिल हो जाए, उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हर सिस्टम को प्रमोट करनी चाहिए। और मैं एक बात जानता हूं, पढ़ा भी हूं कि किसी इंसान का डाइट जो है उसके इलाके से ज्यादा मुंसलिक होता है, क्योंकि आपका जेनेटिक्स, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वहां के हवा से, वहां के खाने पीने से
अब यहाँ का इंसान जो है अगर वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ब्रेड खाना शुरू कर दे या फूड खाना शुरू कर दे तो बहुत हद तक वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा अपने हेल्थ से। और जो ठंडे जगह के लोग हैं वो अगर गर्म ममालिक के खाना खाना शुरू कर दे तो बहुत हद तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। तो लोकलाइज्ड का यही कंसेप्ट है कि भाई वहाँ के भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लोग अपने जिंदगी अमल में लाए। और बहुत ही अच्छा लगा आपको होस्ट करके, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर अफरोज आलम साहब का भी कि वह पैनल में आए और डिस्कशंस को काफ़ी इनरिच किया, उन्होंने दो चार सवालात किए। और मुझे लगता है कि ये सिस्टम लोगों तक जाना, क्योंकि अल्टरनेटिव्स, मैं तो कहता हूँ हर चीज़ में च्वाइस मिले लोगों को, च्वाइस होनी चाहिए कंज्यूमर को या पब्लिक को कि हम किस चीज़ के तरफ जाए तरजीह। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि एक ही सिस्टम को आप बरकरार रखें और बाकी सिस्टम को आप तरजीह ना दे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कि वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को काफ़ी मतलब कि फरोग दे रही है। और इसके साथ साथ करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी बनता चला जाएगा, और जितने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स भी, इंडिया वन ऑफ द सिंगल मोस्ट कंट्री होगी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक्सपोर्ट कर सकती है। टोटल मिडिल ईस्ट में इसका काफ़ी मतलब कि डिमांड है, यूनानी का, आयुर्वेदा का, तो एक एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी है। और आगे चल के ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब, काफी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हो रहा है सर, एक्सपोर्ट्स हो रहा है। और 2014-15 से लेकर के 2019 का जो डाटा है वो हर साल इंक्रीजिंग है, हमारा अमाउंट जो एक्सपोर्ट का है ये हर्बल में वो काफी इंक्रीजिंग है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और लोगों का मतलब एक्सपर्टाइज भी बढ़ता जाएगा, सहूलियात भी बढ़ेंगे। तो मैं ये मौके से फिर आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी ऑडियंस थे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने वक्त निकाल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस में पार्ट लिया, जो हमारे जिंदगी से भी रिलेटेड है, रोजमर्रे के जिंदगी से भी रिलेटेड है, करियर से भी रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज से भी रिलेटेड है। तो सबका शुक्रगुजार हूँ, और ये कहते हुए सबको मतलब खुदा हाफिज कहता हूँ। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह एक नए सीरीज के साथ माइंड स्पार्कल में। सो लेट्स यूज दिस टाइम टू स्पार्कल अवर माइंड। थैंक यू। Bye to all. Shukriya sir. Shukriya sir. Shukriya.